ये देखो ना, पिछली बार ना इसका गोटा निकल गया था, इस बार नया लगवाया है। जरा देख के बताइए कि कैसा लग रहा है। अरे मेरी हेतल पे तो हर रंग अच्छा लगता है। अरे सेजल, तुम अपने लिए झुमके नहीं चुनोगी? नहीं मोना, मैं नहीं। रहने दो ना प्लीज। अरे ऐसे कैसे रहने दे, आज मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। मैं अपनी सेजल को अपने हाथों से तैयार करूंगी, ये देख। और इसका मेकअप मैं करूंगी। हाँ, तो तुम कब तैयार होगी स्वीटहार्ट? बस अभी। हेलो स्वीटी दीदी, कहाँ हो आप? मुझे आपसे काम है। ये क्या कह रहे हैं आप? सच्ची? मैं बस अभी आती हूँ। स्वीटी दीदी जीजू हमारे घर आए पग फेरे के लिए, मैं बस अभी आई थोड़ी देर में। अरे मुझे सुन दो बेटा, अपनी स्वीटी दीदी, अपने जीजा जी, अपने मम्मी पापा, सबको कहना हमारे यहाँ डांडिया खेलने जरूर आए। कैसी है? ठीक हूँ। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही है हमारी मोना भाभी। गोल्डी का सर है, गोल्डी का टशन। अरे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों थे कहाँ और क्या कर रहे थे? अरे भाई साहब, पड़ोस वाले घर में जरा डांडिया रस की तैयारियां कर रहे थे। हाँ स्वीटी दीदी, और वो अनुकल की दादी है ना, उन्होंने हम सबको बुलाया, मम्मी जी पापा जी हम सबको। अरे वाह। नहीं मम्मी, हम कैसे जा सकते हैं? ये न्योता देने का कोई तरीका हुआ क्या? अगर न्योता देना था तो उनके घर से कोई बड़े आ जाते, ये ऐसे मोना से कहलवा दिया, ये ठीक नहीं है। लेकिन पापा जी वो लोग तैयारी में इतने बिजी थे कि। हाँ चाचा जी, जाने दीजिए ना, और उनकी दादी ने तो कहा ही है ना। वैसे भी मैंने आज तक कभी डांडिया नहीं खेला, बहुत मन है मेरा। प्लीज। हाँ मामा जी प्लीज जाने दीजिए ना। लेकिन बेटा इस तरह। जाने दीजिए ना वीर जी, देखिए ना बच्चों का कितना मन है। अगर आप चाहें तो हम बड़े नहीं जाएंगे। राणू बहन जी ठीक कह रही हैं जी, बच्चों के मन में खटास क्यों आने दे, आखिर वो हमारे पड़ोसी हैं, सालों साल रिश्ते निभाने हैं ना। देखिए चाचा जी, ये माता रानी की पूजा का त्योहार है, इसके लिए न्योते की क्या जरूरत है? देखिए अब बच्चे इतना कह रहे हैं तो मान जाइए ना। ठीक है, बच्चों को जाने दो। आप बिल्कुल हाथ मत लगाना, ये तो खराब हो जाएंगे। हाँ अरे कितनी सुंदर लग रही है हमारी हेतल और सेजल। बस ज्यादा तारीफ मत कीजिए बाप, सर पे चढ़ जाएंगे। और हेतल के तेवर तो सबसे पहले बदल जाएंगे। अरे ये भी कोई बात हुई? बहू मैं दादी हूँ, अपनी पोतियों का लाड नहीं करूंगी? और वैसे भी कुछ सालों बाद तो दोनों की शादियां हो जाएंगी, ससुराल में जाकर सास कोई तारीफ नहीं करने वाली, हर बात में सुनाएगी। ये ससुराल वाली बात आपने बिल्कुल सही कही, इसमें कोई शक नहीं है। सास तो बातें सुनाएगी ही ना। आंटी जी, अरे कितनी अच्छी लग रही है तुम। आंटी जी आप तैयार नहीं हुई अब तक, आपका लहंगा चोली कहाँ पर है? ये अम्बा जी के शादी के समय का है, लेकिन कितना भी समझा लो अम्बा जी तो पहनती ही नहीं है। ये मेरी उम्र है चनिया चोली पहनने की, मैं कोई साड़ी पहन लूंगी। लेकिन अम्बा जी। नहीं कहा ना अब्बा, मैं नहा लेती हूँ, सांझ की पूजा का समय हो गया। सत श्री अकाल आंटी जी। वाह, ये स्वीटी दीदी और ये मेरे कजिन प्रिया। सत श्री अकाल। और स्वीटी दीदी ये अनुकल्प की दादी है, खुश रहो। और ये वर्तिका। अरे मिलना मिलाना होता रहेगा। पहले ये बता मोना, तू तैयार क्यों नहीं हुई? अब स्वीटी दीदी के पास दो ही लहंगे थे, एक उन्होंने पहना और एक प्रिया ने पहन लिया, मेरे पास जरा था ही नहीं। अच्छा नमस्ते घरोड़ी अंकल। जय श्री कृष्ण। नमस्ते आंटी, इनसे मिलिए। ये है बापूजी। जय श्री कृष्ण। कल्पेश अंकल। जय श्री कृष्ण। और ये है भारती आंटी। जय श्री कृष्ण। ये लोग दिल्ली अभी अभी आए हैं, बिल्कुल मेरे परिवार जैसे। अच्छा हुआ आप लोग आए। अरे ऐसे ही तो जान पहचान बढ़ती है जी। वैसे आपके परिवार में और कौन कौन है? ये है मेरा बेटा अनुकल्प और मेरी दो बेटियां भी हैं। लीजिए वो आगे आओ। ये सेजल और ये मेरी हेतल। जय श्री कृष्ण। तो बिल्कुल वैसी ही चनिया चोली है ना भारती, जैसी तुमने हमारे लग्न के समय पहनी थी। ये वही है। ये कौन है? आपकी तीसरी बेटी? अरे अभी तो उन्होंने कहा कि उनकी दो ही बेटियां हैं, ये उनकी बहू होगी, है ना भारती जी? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं इनकी बहू थोड़ी ना हूँ, मैं तो अनुकल्प की दोस्त हूँ। जी नहीं, ये हमारे परिवार की नहीं, ये हमारे परिवार से। हमारे भाई साहब की साली साहिबा तो हमारी हुई। डांडिया कब शुरू होगा? पहले माता जी की आरती होगी, फिर गरबा। चलिए पूजा के लिए जाते। आइए आइए। आपने दिया ना उसे मेरा घाघरा चोली। अरे तू क्या हुआ बहू? अरे जरा दिल को बढ़ा कर, तू तो चनिया चोली पहनती नहीं थी, तो मैंने छोकरी को दे दिया। अरे अब जल्दी से माता जी की पूजा कर ले, बच्चे इंतजार कर रहे हैं डांडिया का। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना डांस करने। ठीक। डांस? नहीं मोना जी, आप ही करिए। तुम्हें डांडिया करना नहीं आता? भैया और डांडिया, क्या बात कर रहे हो? ये तो इतने शर्मीले हैं कि गाना तक नहीं गा सकते, और ये डांस करेंगे? मैं नहीं मानती। तुम भी ना भाई को झल्ले हो, झल्ले। झल्ले झल्ले क्या होता है? झल्ले मतलब इडियट, गवार। और यहाँ झल्ला मैं। झल्ला? ये झल्ला कौन है? Anyways, nice name. क्या इरादा मैम डांडिया खेलने का? वैसे भी इस झल्ले का तो मेरा मतलब है कि अनुकल्प का तो मूड है नहीं डांस करने का, लेकिन मेरा बहुत मूड है। वैसे भी हम पंजाबियों को तो मौका चाहिए डांस करने का। तो क्या इरादा है मैम? हो जाए? हो जाए। अनुकल्प, स्वीटहार्ट, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हें पता है नीचे कितनी धूप मच रही, कितना मजा आ रहा है। चलो नीचे चलो। नहीं वर्तिका जी, आप जाइए, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। क्यों? चलो ना, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नहीं वर्तिका, आप प्लीज जाइए। वो क्या है कि मैं ऐसे माहौल में ना बहुत बोर हो जाता हूँ। नीचे तो सब लोग कितने मजे से डांस कर रहे हैं, और मैं उनके बीच में करूंगा क्या? अरे तो तुम भी हमारे साथ डांस करो ना, चलो। मैं? जी नहीं, मैं डांस वांस नहीं करता। अच्छा, आप शुरू हो जाए। लेकिन मेरे को आता नहीं है। नहीं आता या ट्राई नहीं करना चाहते? चलो उठो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। नहीं आता है ना, मैं सिखा दूंगी। ओके, ये डांडिया स्टिक से पहले लेफ्ट हैंड से, ओके, ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंड, ये ऐसे, और इसी तरह राइट हैंड से, और ऐसे करो और घूम जाओ। ठीक है, ठीक है, करें फिर से। करण जी, आपकी और अनुकल्प की बहन की तो आजकल बहुत बन रही है। क्यों साले साहब, आपके तो जलवे है यहाँ, जलवे। क्यों? मत पूछे जीजा जी, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूं। हमें तो लगा आप किसी की जान लेकर आ रहे हैं। अब बस भी करो, जब देखो तब कोई ना कोई वीर जी को छेड़ता रहता है। छेड़ेंगे नहीं, आपके वीर जी के साथ एक लड़की डांस करना चाहती है और वो डर कर मैदान छोड़ के भाग गए। इसमें घबराने वाली क्या बात है? वो तो बस मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, बस। और क्या सवाल करते हो यार, लेकिन लोग तो यही सोचेंगे ना कि आप डर के भाग गए। मुझे लगता है कि हम लोगों को उनको दिखाना पड़ेगा कि हम भी किसी से कम नहीं। क्यों बाबू? सुनिए गोल्डी, गोल्डी सुन। देवियों, सज्जनों और सुंदर सुंदर सी लड़कियों, आप सब लोग जानते होंगे कि गुजरात में डांडिया बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हम दिल्ली वाले भी किसी से कम नहीं हैं। तो इस बार गुजरात में नहीं, दिल्ली में भी डांडिया मनाया जाएगा और हम भी दिखा देंगे कि डांडिया हो या भांगड़ा, हम भी किसी से कम नहीं है। क्या बोलते हो आप लोग, हो जाए एक कंपटीशन? हाँ हाँ, हम गुजराती भी किसी से कम नहीं है, और हमसे डांडिया में जीत के दिखाओ तो जाने। ये सब क्या है हितल? डांडिया माँ की पूजा के लिए खेला जाता है, बच्चों की तरह लड़ने भिड़ने के लिए नहीं। लेकिन अंबा जी, राजकोट में भी तो डांडिया कंपटीशन होता था ना। ओ, हमें तो लग रहा है आप डर गए हमसे, तभी तो इतनी आनाकानी हो रही है। ठीक है, बिना नाचे हार मान लीजिए, नहीं पुकारेंगे कंपटीशन के लिए। हार जीत का फैसला। हार जीत का फैसला पहले कैसे हो सकता है गोल्डी? मुकाबला तो होने दो। एग्जैक्टली अनुकल्प गांधी, अब बनी ना बात। लेकिन ये बात तो बहुत गलत है, इनके परिवार में इतने सारे लोग और हम सब इतने कम। कम? अरे बेटा, हम एक एक 10-10 पे भारी पड़ने वाले हैं। थैंक यू चाचा जी, हमें तो लगा आप आएंगे ही नहीं। अरे बेटा, हम अपने दामाद की रिक्वेस्ट कैसे मना कर सकते थे? तो मुकाबला हो जाए। अब डांडिया की ताल पर गांधी परिवार और बेदी परिवार दोनों ही नाचेंगे, लेकिन हार जीत का फैसला हमारे बापूजी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बात है, मैं हमेशा सख्त हेडमास्टर रहा हूं, जरा सी गलती करोगे तो नंबर कट जाएंगे। चलो री चोरी चोरी मिलन रुत आई रे। ओरी गोरी चलो री चोरी चोरी मिलन रुत आई रे। कैसी बांधी ये नैनों की डोरी बजी शहनाई रे। सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो है उड़ती पतंग देख लो। बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो है उड़ती पतंग देख लो। अज मुंडे होए इन्हां दे मलंग देख लो, बिना डोर तो है उड़ती पतंग देख लो। ए कुड़िया कुड़िया ए दिखिया छुरिया, ए कुड़िया कुड़िया दिखिया छुरिया। सोनिया दे रंग देख लो, बिना डोर तो है उड़ती पतंग देख लो। चांद आया है जमीन पे आज गरबे की रात में। छुपा है वो यही कहीं पे आज गरबे की रात में। अरे ढूंढो ढूंढो रे, शर्मा रहा है वो, कुछ तो बात है जो आया वो। अरे ढूंढो ढूंढो रे, शर्मा रहा है वो, कुछ तो बात है जो आया वो। मौका है ये कहने सुनने का, मौका निकलने न दो।